नाविकों, बुनकरों, हस्तशिल्पियों, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बेघरों तक सभी को लाभ मिलता है, तब विकास संवेदनशील होता है। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय बनारस में संपूर्णानंद सिंगरा स्टेडियम में हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी बनारस वासियों को सौगात दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे के साथ लोग हैं वो अल्पसंख्यक समाज के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, काशी के यहाँ के निवासी हैं। आप लोगों से ही हम चर्चा करेंगे आज कि क्या कहेंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी काशी को सौगात दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई साहब, मुस्लिम समाज की तो बात मत कीजिए, क्योंकि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बनारस के सांसद हैं, और सांसद क्या होता है उन्होंने दिखला दिया है कि अगर यहाँ से हजारों मील दूर बैठे होते तो उनको काशी की चिंता होती है। काशी का वस्त्र हो, साड़ी व्यवसाय हो, मीनाकारी हो, हर चीज़ की चर्चा उन्हें पूरे बनारस की दुनिया को दिखाया। आज उन्हीं का एक वो है कि आज लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, और जब भी आए तो हम लोग को सौगात दे के ही गए, और हर तरह की सौगात दिया है। सिर्फ मैंने रेलवे में ले लीजिए, ओवर ब्रिज में ले लीजिए, बच्चों के लिए 10,000 का बच्चों को टिफिन के लिए व्यवस्था करने आए हैं, और 4 वार्डों का सुंदरीकरण मेट्रो सिटी के अंदर है, पार्किंग की व्यवस्था और कॉरिडोर बनवाया, क्या नहीं उन्होंने बनारस के दिया गया है। तो मैं तुमका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो ना जात को देखा, ना पात को देखता है, ना धर्म को देखता है, सिर्फ 140 करोड़ लोगों की बात करता है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का मैं पूरे बनारस की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। तो आप करें कि 140 करोड़ के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत कुछ दिया बनारस में। आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि बहुत मतलब कि मुस्लिम समुदाय के लिए बड़े अच्छे नहीं है मोदी जी, ऐसा मतलब एक संदेश दिया जाता है, पूरे देश में जाता है, क्या ऐसा आप मानते हैं? नहीं नहीं, ये अपोजिशन का प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज देख लीजिए, मुस्लिम अच्छी तरह है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छी तरह है, काशी में भी अच्छी तरह है। अब क्या चाहिए, इससे बेहतर क्या चाहिए? यहाँ पे मुसलमान को आज़ादी हर तरह की है, अपनी त्यौहार मनाते हैं, अपनी इबादत करते हैं, अपना रोज़ा रखते हैं, हर तरह की त्यौहार मनाते हैं, उनको कठिनाई क्या है? व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सब करते हैं, वो क्या दिक्कत है उनको? उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सब ताज़ा माहौल चलता है उसमें थोड़ा सा दूरियाँ बनाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूरियाँ बना देती है हिंदू मुसलमानों के बीच में, ऐसा कहा जाता है, आप क्या कहें? ऐसा नहीं है। ये जो हमारे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये इतना शातिर दिमाग रखती है कि हर वक्त अपना कोई काम जनता का करेगी नहीं, और इसी में अपना दिमाग लगाती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली से चलकर बनारस आए हैं, हम तमाम बनारस की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उन्होंने जो कार्य के लिए जो इतना पैसा पास किया, अब हमारा बनारस में और प्रगतिशील कार्य होने की संभावना है। आप महिला हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपको कितनी आज़ादी मिलती है इस पार्टी में, आप जो चाहती हैं क्या कर पाती हैं, सच्चाई के साथ बताइए। सच्चाई के साथ मैं यही बताऊंगी आपको कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मुझे किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी में या अपने इस देश में कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे एक आसमान में चिड़िया उड़ती है ना, मैं वैसे ही उड़ती हूँ, मुझे कोई भी पाबंदी नहीं है। अब मोदी जी, योगी जी, ये दो नेता हैं, देश को देख रहे हैं और प्रदेश को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम त्वरित गति से हो रहा है जो होना चाहिए था? बनारस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, तो क्या लगता है कि जो सवाल उठते हैं कि विपक्ष की नई सुरक्षा नहीं है, हम इनमें तो क्राइम ग्राफ बढ़ जाता है, तो क्या आप कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुरक्षा हम महिलाओं के लिए सब है, बहुत है, हम एकदम आज़ाद हैं। पहले जो बदतमीजी, जो गंदगी थी, वो चलते हुए कमेंट्स करना, किसी को छेड़ देना, अब वो सब कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम लोग बिल्कुल आज़ाद है और बिल्कुल एकदम सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जी बताएं। देखिए, 2014 के पहले मुसलमानों को डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए कि मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 5 साल शासन किया, 2019 में फिर आए, उन्होंने कहा सबका विश्वास। और मुसलमानों के लिए जहाँ तक बात करते हैं कि हम जहाँ जितना अच्छा सुरक्षित मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी सरकार में नहीं था, क्योंकि और सरकार हम लोग देखी है, दंगे होते थे, फसाद होते थे, ब्लास्ट होते थे, आज पूरी तरह शांति पूरा देश है, और किसी जाति धर्म की सरकार नहीं, सिर्फ भारत की सरकार है, और देश का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है बहुत अच्छी चल रही है, और हम मुस्लिम समाज काफ़ी खुश हैं।
मुस्लिम समाज काफी कुछ है, कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ बोलिए, आप नौजवान है, बोलिए। मेरा नाम देखिए जाकिर खान मोनू है। मैं सबसे पहले मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ को चलते जनता को। और जो कुछ लोग हैं जो गिने चुने जो जनता को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एकता है, समझे? कि मैं अपनी आँखों देता हूँ, जो काम पहले नहीं होता था इस समय ज़्यादा हो गया है, और रोजगार भी मिल रही है, महिला भी स्वच्छ है इस समय है, खुले आम जहाँ जा सकते हैं आगे वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि चोरी चमारी धकेती तो तब आराम मिला है। तो आप बनारस के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रभावित हैं, योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं, तभी वो इस पार्टी में हैं। और ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है प्रोपेगेंडा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ, मैं बनारस से अश्विनी शर्मा। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।